एलसीसी एजुकेशन सुहाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट एमसीक्यू और क्लास हमारे पास रहेगी आज 11th, चैप्टर आपके पास रहेगा 16 और आपकी जो वीडियो नंबर आपकी सेकंड है भाई। पहले मैं इसके एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नीट बेस एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं तो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आपको चैप्टर 16 से स्टार्ट करना है तो आपको मैं पहले करवा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, आपका चैप्टर 16 की सेकंड वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ भाई। और आज हम पढ़ेंगे भाई चैप्टर 16 के अंदर कौन कौन से आपके जो क्वेश्चन नीट के अंदर आए हुए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग व्हाइल स्वेलविंग सम फूड, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। तो आसान सी बात है, बिल्कुल भी नॉर्मल क्वेश्चन है। दो फ्रेंड हैं, आपके भोजन कर रहे थे साथ में डाइनिंग टेबल के ऊपर और एक को अचानक से क्या होगा, कफिंग यानी खांसी आना स्टार्ट हो गया और स्वेलविंग सम फूड और भोजन का टुकड़ा चला गया भाई निकलने के समय, और दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, ये किसकी वजह से हुआ है भाई, किसकी इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुई भाई। तो आपका आपको पता है हमारे पास ट्रैक के ऊपर आपका एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। तो आपका यहाँ पर एपिग्लोटिस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका रहेगा ए भाई। अगर एपिग्लोटिस आपका ओपन हो जाए और उसके अंदर आपको होते श्वास नली यानी ट्रैकिया, आपको पता कि हमारे पास ट्रैकिया होती है विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर आपका जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं थिन फ्लैप। थिन फ्लैप मीन जो कार्टिलेजिनस का बना होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अगर एपिग्लोटिस की इम्प्रॉपर मूवमेंट होगी तो आपके फूड पार्टिकल एंटर कर जाएंगे जिससे आप कोफिंग होगी भाई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा हमारे पास में ए यानी एपिग्लोटिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि सिक्रेटिन एंड कोलियोसाइटोस्किन, यानी कोलियोसाइटोस्किन का पहला दूसरा नाम हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं होता है सीसीके। सीसीके एंड आपके जो सिक्रेटिन है आर डाइजेस्टिव हार्मोन, आपके दोनों आपके डाइजेस्टिव हार्मोन है और दे आर सिक्रेटिन, आपके कहाँ पर सिक्रेट होंगे, तो आपके ये आपके सिक्रेट होते हैं भाई छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, और पहले पार्ट का नाम होता है डुओडेनम पार्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर, यानी आपका जो डुओडेनम पार्ट है उस पार्ट के अंदर आपके दोनों जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है यानी सॉरी हार्मोन है, एक तो सिक्रेटिन एंड कोलियोसाइटोस्किन, वो आपके सिक्रेट होंगे भाई। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि डुओडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बर्नर ग्लैंड्स विच सिक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड, क्वेश्चन जो ऊपर वाला है उसका विपरीत क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं आपका जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसके पास बर्नर ग्लैंड होती हैं और जो दो हार्मोन को सिक्रेट करती है उन हार्मोन का नाम बताओ आप। तो हमारे पास इसका रहेगा बी ऑप्शन, क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हो ना सिक्रेटिन एंड कोलियोसाइटोस्किन, तो इसका रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी सिक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन, ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो आपका सिक्रेट करेगा यानी स्त्रावित करेगा हार्मोन का नाम हमारे पास में सिक्रेटिन। तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि आपका इसका लिए आपका कौन सा आता है वहाँ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की कौन सी ग्लैंड होगी आपकी बर्नर ग्लैंड सिक्रेट होगा, तो यहाँ पर आपका जो पार्ट है स्टमक से नहीं होगा आपका भाई, और ओसोफेगस से भी नहीं होगा और आइलियम से भी नहीं होगा, ड्यूडेनम पार्ट इसका रहेगा राइट आंसर। यानी ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका चौथी बार रिपीट हो रहा है भाई वापिस से, एक क्वेश्चन के फोर बार यानी चार बार इसको अलग अलग तरीके से बता दिया गया है। बर्नर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, लो भाई दोबारा फिर रिपीट हो गया, बर्नर ग्लैंड्स आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो आपको पता कि छोटी आंत के अंदर पहले भाग में, स्टमक के अंदर तो नहीं होगी बेटा और ओसोफेगस के अंदर भी नहीं होगी और कह रहा कि आइलम के अंदर भी नहीं होगी, तो आपका राइट आंसर रहेगा ड्यूडेनम पार्ट, यानी ड्यूडेनम पार्ट के अंदर आपकी होती है हमारे पास आपका होता है भाई बर्नर ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास में कह रहा है कि द लेयर ऑफ सेल दैट सीक्रेट इनेमल ऑफ टूथ, भाई ऐसी कौन सी लेयर है सेल की जो आपके सीक्रेट करेगी इनेमल, भाई आपको इनेमल बोलते हैं इनेमल कैविटी दांतों के अंदर होती उस टूथ के अंदर, बाकी कौन सी लेयर सीक्रेट करती हैं, तो ओस्टियोब्लास्ट तो नहीं करती भाई, ओडोंटोब्लास्ट ब्लास्ट भी नहीं करती, डेंटोब्लास्ट भी नहीं करेंगे आपका भाई, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर आपका
एमिलोब्लास्ट भाई, तो आपका जो एमिलोब्लास्ट लेयर है सेल की वो सीक्रेट करती है इनेमल ऑफ टूथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग फैक्टर आर रिक्वायर फॉर मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, वे कौन सा फैक्टर है आपका जो नीचे दिया गया है वो आपका इम्पोर्टेंट है, किसके किसके दौरान जरूरत होगी उसकी, मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी इसका जो आपका आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा ए, यानी विटामिन बी ट्वेल्व आपका फैक्टर होता है जो आपका रिक्वायर होता है, जिसकी आवश्यकता होती है किसके दौरान, मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट हमारे पास में कह रहा है कि इन वर्टिब्रेटा लैक्टियल आर फाउंड इन, वर्टिब्रेटा के अंदर आपके जो लैक्टियल है वो कहाँ पर होंगी, तो आपके जो इन वर्टिब्रेटा के अंदर आपके जो लैक्टियल पार्ट होता है वो आपका होता है आइलम में वही, क्योंकि आपके जो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं डेडनम जेजुनम आइलम, आपके जो मानव के अंदर होगी ना वो आपका डेडनम पार्ट के अंदर होगी लैक्टियल, लेकिन आपका जो ये बात कर रहा है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके जो लैक्टियल पार्ट कहाँ पर होगा, लैक्टियल विलाई के साथ में होगी, तो ये आपके छोटे हाथ के अंदर ही होगी, तो छोटे हाथ का पार्ट आपका कौन सा है यहाँ पर, आपका आइलम पार्ट है, ओस्फेगस आपका छोटे हाथ का पार्ट नहीं है, तो आपका गलत रहेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत, इसकी समझ तो बिल्कुल ही गलत भाई, तो कह रहा है कि हमारे पास जो आइलम पार्ट है उस पार्ट के अंदर वर्टिब्रेटा के अंदर लैक्टियल मिलती है भाई। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथिसाइज बाई बैक्टीरिया इन साइड द गट, कि कह रहा है कि कौन सा विटामिन आपके सीक्रेट करेंगे या बनाएंगे भाई बैक्टीरिया कहाँ, इन साइड द गट, कि गट के अंदर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं भाई कौन से विटामिन को बनाते हैं, तो आपका जो विटामिन आपका बी वन भाई, आपका यहाँ पर जो विटामिन बी वन है वो आपका सिंथिसाइज होता है बाई बैक्टीरिया इन साइड द गट। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि ए पॉलीसेक्राइड विच इज सिंथिसाइज एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल, कि लीवर सेल के अंदर ऐसा कौन सा पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड होती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसके तीन फॉर्म होती हैं, मोनोसेक्राइड फॉर्म होती है, ओलिगोसेक्राइड होती है, और नंबर तीन हमारे पास पॉलीसेक्राइड होती है, तो कह रहा है कि आपका जो पॉलीसेक्राइड विच इज सिंथिसाइज एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल, लीवर सेल के अंदर आपका कौन सा पॉलीसेक्राइड होगा जो बनेगा और आपका स्टोर भी होगा, तो आपका होता है ग्लाइकोजन भाई, आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपका बनेगा लीवर सेल के अंदर और वहीं पे स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि कुफर सेल्स अक्कर इन, आपके जो कुफर सेल होती है वो कहाँ पर होती हैं, तो स्पिलन भाग में नहीं होती आपकी भाई, किडनी के अंदर भी नहीं मिलती आपकी, ना ही बेटा ब्रेन के अंदर होती, ये आपकी होती लीवर के अंदर, तो इसका रहेगा हमारे पास लीवर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में है कि बर्नर ग्लैंड्स अक्कर इन, आपके जो बर्नर ग्लैंड्स होती हैं वे कहाँ पर होती हैं, तो अगर बात करूँ मैं बर्नर ग्लैंड की, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास बर्नर ग्लैंड्स कहाँ पर होंगी, तो आपके जो बर्नर ग्लैंड होती हैं वो आपकी होती है बेटा सबमुकोज ऑफ ड्यूडेनम पार्ट, यानी एक बात तो आपको पहले पता है कि ड्यूडेनम पार्ट है छोटी आंत का, वो छोटी आंत के अंदर आपकी बर्नर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी और ये आपके दो हार्मोन सीक्रेट कराएगी, एक तो सीक्रेटिन, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, और हमारे पास एक होता है सीसी के यानी साइटोस्किन, तो आपके ये आपके दोनों दोनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी बर्नर ग्लैंड्स, ये आपकी प्रेजेंट होंगी बेटा किस पार्ट में, सबमुकोजा ऑफ ड्यूडेनम पार्ट, सबमुकोजा होती है लेयर भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस, पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करती है, थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम एंड वन हार्मोन, कि कह रहा है कि जो पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगी, कह रहा है कि थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम एंड वन हार्मोन, ये बात गलत है भाई, क्योंकि आपके जो पैनक्रियाज होती है ये आपको ध्यान रखना है तीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके अंदर आपके और दो हार्मोन होते हैं भाई, आपको मैं याद रखना कि 32 मीन थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम और आपके दो होंगे बेटा हार्मोन, ये आपके पैनक्रियाज के अंदर होंगे, तो आपका जिसके अंदर थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा हुआ मिलेगा या आपके दो हार्मोन लिखे हुए मिले वो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये तो आपका गलत रहेगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड टू हार्मोन, हाँ ये ठीक है आपका, इसका जो बी आंसर रहेगा वो रहेगा इसका राइट भाई। और नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास कि टू डाइजेस्टिव एंजाइम एंड वन हार्मोन, ये गलत हो जाएगा भाई, मैं पहले बता चुका हूँ ये बात, थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम एंड नो हार्मोन, ये भी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि पैनक्रियाटिक जोश एंड हार्मोन ऑफ पैनक्रियाज आर प्रोड्यूस बाई, ये कह रहा है कि भाई आपको बताना है कि जो पैनक्रियाटिक जोश भी निकलता है पैनक्रियाज ग्लैंड से और आपके हार्मोन भी निकलते हैं पैनक्रियाज से, तो आपके सेम सेल से निकलते हैं या डिफरेंट सेल से निकलते हैं, तो इसके आपका रहेगा भाई दोनों आपके जो पैनक्रियाटिक जूस है और आपका जो पैनक्रियाटिक हार्मोन है वो आपके दोनों डिफरेंट सेल से निकलते हैं, तो सेम सेल आंसर गलत रहेगा, सेम सेल एट डिफरेंट टाइम ये भी गलत रहेगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये भी गलत है भाई, और आपका डिफरेंट सेल से निकलते हैं यानी डी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में है कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोड्यूस ऑफ, किसका मतलब प्रोडक्शन के दौरान स्टिमुलस को प्रोवाइड कराएगा हमारे पास सिक्रेटिन, तो आपका जो सिक्रेटिन होता है वो आपका पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन में स्टिमुलस प्रदान करता है। और नेक्स्ट हमारे पास में कह रहा है कि आपकी जो वोल्टन्स डक्ट है वो एसोसिएट जुड़ी होती है विद किस डक्ट में, आपकी डक्ट का नाम है वोल्टन डक्ट है, आपकी जो वोल्टन्स डक्ट है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो आपके जो वोल्टन डक्ट होती है आपकी सबमक्सिलरी यानी आपके जो सलाइवा ग्लैंड होती है सलीवरी ग्लैंड होती है, सलीवरी ग्लैंड की आपको पता है हमारे पास है तीन भाग होते हैं सबमक्सिलरी सबमैंडिबुलम और सबलिंगुअल, आपकी जो सबमक्सिलरी भाग है उसके अंदर आपकी वाटरन्स ग्लैंड होती है जुड़ी होती है उसके साथ में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिबुलसिस, आपकी ऐसी कौन सी डक्ट है जो आपकी पैरोटिड को लीडिंग करवा रही है ग्लैंड को और आपकी ओपनिंग करवा रही है इसको वेस्टिबुलस के अंदर, तो आपका जो इसका रहेगा हमारे पास इसका एवरेसियन डक्ट ये नहीं रहेगा आपके पास स्टेनसन डक्ट, हाँ भाई ये आपका रहेगा राइट आंसर कि आपकी स्टेनसन डक्ट होती है जो रेडिंग करती है फ्रोम पैरोटिड ग्लैंड को और आपकी ओपनिंग करवाती है उसको वेस्टिबुलस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि लेमिना प्रोपीरिया इज कनेक्टेड विद, आपका जो 31 क्वेश्चन है इसके अंदर आपका दिखा रखा है कि आपकी जो लेमिना प्रोपीरिया है वो किस से कनेक्टेड होती है, डीपली क्वेश्चन दे रखे हैं भाई ये मतलब हाथ से होती है तो उसको बोलोगे आप इंटरफ्टाइन भाग से। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, कि आपका कौन सा जो फंक्शन है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से नहीं होगा भाई, नॉट परफॉर्म्ड है नहीं होगा, तो कह रखा कि ऐसा कौन सा है, कह रहा है कि आपका कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, ये तो आपका होता है तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी नहीं होगा मतलब होता तो है लेकिन नॉट परफॉर्म्ड है तो इसके लिए गलत हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी ये भी आपका परफॉर्म्ड होता है तो यहाँ पर नॉट परफॉर्म पूछ रहा है तो गलत हो गया। अगला हमारे पास कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ डाइसैक्राइड ये आपका नहीं होता तो नहीं होता तो पूछ रहा है कि नॉट परफॉर्म्ड मीन ये रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि सक्का सेंटेरिकस इज रेफर टू, ये आपको पता है कि सक्का सेंटेरिकस तो हाँ का जूस होता है यानी इंटरस्टाइन का जूस होता है तो उसको बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बेस और आपका 2021 के अंदर आया है तो आपको ध्यान से पढ़ना कि इंटरस्टाइनल जूस का ही नाम होता है सक्का सेंटेरिकस। अगला हमारे पास द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, आपका जो एंजाइम है इंट्रोकाइनेज वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका ट्रिप्सिन यूजन से ट्रिप्सिन, तो आपका यहाँ पर क्या लिख रखा है प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड ये गलत हो जाएगा, ट्रिप्सोनियोजन इंटू ट्रिप्सिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है भाई, कैसियोजिनोजन इंटू कैसिन ये गलत हो जाएगा और पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सो ट्राई या लिखा ना टी आर वाई तो आपका टी आर वाई आगे मिलेगा भाई, ट्रिप्सोनियोजन से ट्रिप्सिन बनाएगा भाई। अगला हमारे पास करेंगे आइडेंटिफाई करना है द सेल हुज सीक्रेशन प्रोडक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी सेल है जिनके सीक्रेशन की वजह से आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है कवरिंग होती है वो आपकी प्रोडक्टिंग होगी फ्रॉम वेरियस एंजाइम अलग अलग एंजाइम से यानी उसको अलग अलग एंजाइम तोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा क्या सीक्रेशन होता है, तो आपका इसके लिए हमारे पास होती है गोबाल्ट सेल सीक्रेट करती है म्यूकस, आपको पता कि गोबाल्ट सेल होती है उससे आपका म्यूकस सीक्रेशन होता है और म्यूकस से क्या होगा आपका प्रोडक्शन हो जाएगा भाई वेरियस एंजाइम से किसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काफ्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन आर्थ्रोबायोसिस। कह रहा है कि आपकी कौन सी काफ्ट्रिक सेल होती है जो इनडायरेक्टली मतलब असीमित तरीके से आपकी हेल्प करती हैं आर्थ्रोबायोसिस के अंदर, यानी आपकी आर्थ्रोसाइट बढ़ रही होती हैं। तो इसका रहेगा हमारे पास राइट आंसर आपकी पैरेटल सेल। भाई आपकी जो पैरेटल सेल होती हैं ये आपकी होती है डायरेक्टली हेल्प करती हैं आर्थ्रोबायोसिस के अंदर। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।